मनोज जैन काफी दिन से बैठ के होते सभी व्यापारी भाइयों एवं नगर वासियों को प्रदेश वासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का त्यौहार सबके लिए मंगलमय हो। सभी हमारा जनपद वासियों और हमारा राज्यवासियों को जनपद हरिद्वार पुलिस की तरफ से दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम आपका अपेक्षा कर रहे हैं कि नियम को पालन करें और हमारा साथ सहयोग करें ताकि जो है ये दीपावली जो है बहुत यादगार और खुशपूर्ण रहे। एंड वी विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड सेफ दीपावली। नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तरुण मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। विदेश से आए एनआरआई परिवार को अपनी लूट का शिकार बनाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने एक एनआरआई परिवार से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी आपस में चचेरे भाई हैं, लेकिन अपने शाही जीवन को जीने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। रात में एक एनआरआई फैमिली जी हैगी यूके तो आई सी अमृतसर एयरपोर्ट से लैंड की सी, तो उन्होंने लैंड वास्ते उन्होंने रिश्तेदार आए थे, उन्होंने कजन ब्रदर आए थे, तो वो जो अपनी इनोवा कार बिठा के उन्होंने लैके जान लगे, तो अगे जाके दो नौजवान जोड़े से I-20 जोड़े उन्होंने पिछा एयरपोर्ट ने पिछा कर सो उन्होंने वेरका चौंक तो अगे जाके उन्होंने रोक के तो उन्होंने समान जोड़ा है डकैती उन्होंने समान लुट लिया। उतों समान दे जो सानू साढ़े ध्यान चो समय लिया कुछ पैसे से जी 3-4 अटैच 3 अटैची से जी, तो जो अटैची वो लुट के उन्होंने भज गए उत्थे मौके तो भज गए, तो सानू फिर कुछ लीड्स मिली सी मौका तो टैक्निकल जो लीड सीगियां उन्हों असी फॉलोअप करते करते तो दो मुलजम जोड़े है असी फड़ ले ने, तो दो मुलजम फड़ के तो उन्होंने पुछगिछ तो सानू जो है जो क्राइम का जो समान है 3 अटैचिज है वो सारे रिकवर कर ले है ने, कुछ असला जो उन्होंने असला मौके तो वारदात से वरत्या से वो असला भी असी रिकवर कर लिया, बाकी उन्होंने अरैसट पाई है, तो उस तो बाद होर पुलिस रिमांड जोड़ा है लैके पुछगिछ करा वो चो जो होर कोई गलबात सामने आएगी तो सू दसा जाए। ये दो डबल बैरल राइफल्स है जी, ये असर्टन करने की गल हैगी है क्योंकि लाइसेंसी है कि हैगा इन्हों के नाम से या कि नाम से है, एक देसी कट्टा है जी, तो 3 अटैचिज है ने, कुछ रौंद 12 रौंद है जिंदा कारतूस है ने, मौके तो उस समय यह भी पता लग्या सीगा कि इन्होंने एक फायर भी किया सी, वो भी असर्टन करांगे कि किस राइफल तो फायर होया सीगा जी। मैं यही ध्यान च लवागा कि हजे इन्हों की मुढ़ली पुछगिछ की है, तो जो सानू पता लग्या कि इन्होंने दसा कि शायद यह साड़ी पहली वारदात सी, पर अजे पुछगिछ करांगे जी पुलिस रिमांड इन्हों का लवेंगे, पुलिस रिमांड तो बाद कोई होर गलबात जो कोई हाईवे रॉबरी कोई डकैती इन्होंने होर भी किए चाहे इस डिस्ट्रिक्ट की चाहे दूसरे किसी होर डिस्ट्रिक्ट की हैगी सारा मुढ़ली पुछ उस तो तफ्तीश दौरान जो भी सामने आएगा दसा जाएगा। ਇਨਾ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ,
नहीं मंशा इन्हों की यही सी कि जी एन आर आई फैमिलीज आँदी एन आर आई फैमिलीज नॉर्मली आते हैं तो उन्होंने को पैसे होंगे है प्लस वो गिफ्ट होंगे है तो ये कि एन आर आई जी फैमिली आएगी कोई भी फैमिली आएगी उन्होंने तो डॉलर या पैसे लुट के जोड़ा है अगर काम करा असि वेरीफाई कर रहे हैं जी एदा का क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है हो सकता है जी हो सकता है जी मुझली पुछगिछ अजे कर रहे हैं जी अगली पुछगिछ जो गलबात सामने जरूर दसागे जी डॉलर भी सू दस गया कुछ गोल्ड भी दसा गया डॉलर कोई 2000 के करीब यूके डॉलर से पर तफ्तीश जारी है जी डिमांड लैके पता करा डॉलर इन्होंने जो है कि जो गोल्ड है कितने बेचा नहीं बेचा गया नहीं गया है वो तफ्तीश जो भी गलबात सामने आएगी दसा जाएगा जी नहीं हो सकती है जी इस चीज़ तो इनकार नहीं किया जा सकता हो सकती है कि इन्होंने होर भी कोई वारदात कितने हाईवे रॉबरी जड़ियाँ है साढ़े डिस्ट्रिक्ट की तो असं वेरीफाई कर रहे हैं नाल दे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है जो उत्थे भी कोई इदा की वारदात होगी तो जरूर ध्यान से लेंगे। शिकोहाबाद के संत जनू बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में दीपोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर ब्रजेश बाबू गर्ग ने बीटीसी और बीएड छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व मनाना हमारी मान्यताओं में शुमार है। पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए और दिया जलाने चाहिए वो भी घी या तेल के दिया जलाने चाहिए पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए जैसे कि हॉस्पिटल्स के पास नहीं जल पटाखे फोड़ने चाहिए उससे जो पेशेंट्स होते हैं उनको तकलीफ होती है जैसे कि हॉस्पिटल्स के पास वगैरह पटाखे ना वो ना फोड़े और थोड़ी सी अपने हाथों पकड़ के पटाखे ना फोड़े। जैसा कि ये प्रोग्राम दीपावली से पहले किया गया है उसके अवकाश से पहले यहाँ पर सभी शिक्षकगणों ने काफ़ी कुछ बताया दीपावली के बारे में और जहाँ पर भी जितने भी छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए इस पर्व को लेके इस पर्व के साथ ली जाने वाली सावधानियाँ और अन्य कई बार चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। बहुत सारी जानकारी मिली दीवाली का जो त्यौहार होता है लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है यहाँ पर बहुत सारे हर टीचर ने अलग अलग जानकारी दी है जैसा कि सर ने बताया दिवाली पर पटाखे कम चलाने चाहिए और जो घी और तेल के दीपक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाने चाहिए जिससे वातावरण जो है बहुत शुद्ध हो और अच्छे से त्यौहार को मनाया जाए। गुजरात के बनासकांठा जिले के तहसील अमीरगढ़ में वन विभाग और पोस्ट ऑफिस के पास कचरा पेड़ और मिट्टी का घेराव के कारण जनता को ये कार्यालय दिखाई ही नहीं देता है और यहाँ पर इतनी गंदगी हो रखी है कि यहाँ से निकलना भी दुभर हो जाता है। अमृतसर में सरबत खालसा बुलाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चंबा गांव के नज़दीक सरबत खालसा बुलाने के लिए शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सरपंच सदस्य सिमरनजीत सिंह मान और भाई मोकम सिंह ने सभी प्रबंधों का जायजा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए मान ने कहा कि सरकार सरबत खालसा बुलाने के बीच काफी रुकावटें पैदा करेगी लेकिन सरबत खालसा होके रहेगा जिसमें पूरे संसार से सिख संगत बड़ी गिनती में शिरकत करेगी। मान ने सुखबीर बादल की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अपना संभव डीटीओ से कह रखा है कि सरबत खालसा आने वाली सभी बसें रोक दी जाएं। यदि ऐसा हुआ तो वे बादल की बस को रोकेंगे और उनके होटल रिजॉर्ट की सारी बुकिंग करके होटल का बिल नहीं पे करेंगे। साथ ही भाई मोकम सिंह ने कहा कि अगर सरबत खालसा में कोई रुकावट डाली गई तो वे रुकावट डालने वाले डीटीओ डीसी का घेराव करेंगे। मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा राज्य कमेटी का आह्वान पर जिला कमेटी कैथल के नेतृत्व में शहर में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। पत्रकारों से बात करते हुए मिड डे मील इंचार्ज सत्यवान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 350 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है जिसमें मास्टरों को तो दूसरी जगह लगाया जाएगा लेकिन मिड डे मील वर्करों के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
जिससे इनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी समस्या ये है कि 2013 में मानदेय 1000 बढ़ाया गया था, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि मिड डे मील वर्करों को अफसरों द्वारा हर रोज परेशान किया जा रहा है। दरअसल दो 350 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, और उसमें मास्टरों के लिए तो कया भी शिफ्ट कर देंगे दूसरे स्कूलों में, लेकिन मिड डे मील वर्करों का कोई मतलब विकल्प नहीं दर्शाया सरकार ने। इसे हमें खतरा है कि मिड डे मील को कि योजनाबद्ध तरीके से हटाने को जा रही है सरकार। पहले भी हमने इकट्ठे होकर ने इसका इस्कॉन कंपनी का ठेका रद्द करवा था, जब भी सरकार ने मुंह की खानी पड़ी थी, और अब भी हम हर जोर जुलूम उनका सहन नहीं करेंगे, और पूरे राज्य स्तर पर पूरा मतलब आंदोलन करके ये ऐसा कोई भी ज्यादती इस रूप की हम नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ हमारी कुछ समस्याएं और भी हैं, मानदेय की भी समस्या है। 1000 रुपये केंद्र सरकार ने 2013 में बढ़ाए थे, आज तक वो नहीं दे लिए। दूसरी कि यहाँ खट्टर सरकार की भी जो समस्याएं अंदरी जुड़ी हैं, जो कि रोज़ रोज़ सामने आते हैं, उसकी सह में कुछ हमारी मिड डे मील वर्कर भी तंग हैं। स्कूलों में रसोई की समस्याएं हैं, मतलब राशन की समस्याएं हैं, राशन ख़त्म हो जाता है तो उनकी पे भी रोक ली जाती है, उस दिन की पे नहीं मिलती, बड़ी समस्याएं हैं। DO साहब से हम बातचीत करेंगे, ठोक बजा के उससे बात करेंगे, हर सारी समस्याओं का हल निकलवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है कि हम मतलब मिड डे मील में हैं, जो तनख्वाह काटते हैं, बीच भाई राशन नहीं बन रहा वो भी नहीं तनख्वाह देते हमको, और हम मतलब कोई भी समस्या आती है, राशन ख़त्म हो जाता है, ऐसे डरा जाते हैं कि घर बैठना पड़ेगा, ये है वो है, हम ऐसे बैठने वाले में से नहीं हैं और बिल्कुल भी बैठेंगे भी नहीं। और हमारी मांगे हैं हमको पक्का करें, सबसे बड़ी तो ये है, और पक्का नहीं करे तो 8,000 मांग रखे हैं, वो भी नहीं कभी भी पूरी हो रही, हमारी कोई सुनवाई नहीं है कभी भी, टीवी पे हमारा कोई चैनल कोई कुछ नहीं दिखाते हैं सर, और हम विधवा हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं सर, और 2500 में हम क्या क्या कर सकते हैं आप बताओ, हमारे बच्चे सारी चीज़ें मांगते हैं, आगे से त्यौहार आ गए हैं, हम क्या दे सकते हैं अपने बच्चे को बताओ सर, क्या दे सकते हैं, हम दे तो नहीं सकते हम कुछ भी, 2500 में क्या देंगे उनको, पटाखे देंगे, ये चीज़ें खिलाएंगे उनको, रोस्त वस्त्र देंगे पहनने के लिए, छोटे वस्त्रों को हम क्या कर सकते हैं, मिड डे मील में कोई सुन नहीं सकता हमारी। जो मिड डे मील महिला वर्कर्स हैं, उनकी जो शिकायतें हैं वो सरकार को, इनकी जो शिकायतें जो सरकार को लेके हैं कि इनका जो मानदेय है, जो प्रॉपर मानदेय है, जो उनके जो उनको सुविधाएं हैं पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं, जैसे ईंधन से संबंधित है, चूल्हे से संबंधित है, गैस सिलेंडर से संबंधित है, और वर्किंग से संबंधित है, वो इनकी शिकायतें सरकार के प्रति हैं। उसके बारे में अपना ज्ञापन देने के लिए DC साहब के पास आई हैं। तो अकेले कोई ज्ञापन दिया नहीं, अभी ज्ञापन दिया नहीं ना, हमारे DC साहब आए हैं या तहसीलदार साहब, उनको ज्ञापन लेंगे। गुड़गांव के सेक्टर 5 थाने में शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है, जिसमें 33 वर्षीय महिला ने 25 वर्षीय झज्जर निवासी दिनेश नामक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। इस महिला ने आरोप लगाया कि वो सहेलियों के साथ अपने कहीं उत्तराखंड में टूर पर गए थे, और जिसके लिए उन्होंने एक टैक्सी किराए पे की थी सफारी, जिसका ड्राइवर दिनेश और यस के नाम से था, जिसके साथ इस महिला की वहाँ दोस्ती हुई, और यहाँ गुड़गांव आने पर भी वो दोस्ती जारी रही, और इसी बीच उनके शारीरिक संबंध भी हुए, और उस लड़के ने उसे पैसे की गुजारिश की कि मेरे को कुछ पैसे चाहिए, ज़रूरत महसूस की तो
उस लड़की ने अपने फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा कर अपने सेविंग अकाउंट्स में डलवा लिया और एटीएम उस लड़के को दे दिया है। सर, ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? ये लड़का झज्जर का रहने वाला है। इस मामले में सर इसकी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, इसको कल गिरफ्तार किया जा चुका है, आज पेश अदालत किया जाएगा। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? ये 376, 506, 406। स्वच्छ भारत अभियान के बैनर तले फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील के लोहिया गांव सूरजपुर में जिलाधिकारी ने अचानक स्वच्छ भारत अभियान का जायजा लेने के लिए प्रातः 5 बजे गांव में पहुंच गए। शौच मुक्त कराने के लिए और लोगों से बैठ के निगरानी समिति सज्जित करके उनसे द्वारा निगरानी करने के लिए आज ये बैठक गांव सभा की हुई थी। प्रादेशिक खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। यह लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।